सर, आप समीक्षा करते हैं अपनी हार के बारे में। आप समीक्षा कीजिए ना, आप क्यों हारे, अब अख्तर साहब क्यों जीते, कैसे जीते, वो क्या कर रहे हैं, वो पहले क्या थे, अब क्या हैं। अजीब हालत है, थोड़ा बौखलाहट को संभालिए सर, अजीब बातें हैं। फिर आप बात करते हैं अख्तर साहब विधानसभा में क्यों बोल रहे हैं, इसमें भी आपको प्रॉब्लम है। पूर्व विधायक जी, आपको मालूम होना चाहिए अख्तर साहब मजलिस की तरफ से लीडर ऑफ द हाउस हैं, उनका बोलना लाजिम है हाउस में, और वो बोलेंगे। आपको इसमें भी प्रॉब्लम है। और तीसरी बात आपने की लॉकडाउन के बारे में, कि आपने हर क्वारंटाइन सेंटर में गया, आपने हर लोगों की मदद की, अच्छी बात है सर। आपने भी तो मच्छरदानी बांटे थे, बाल्टी और मग बांटे थे, क्या आपने पॉकेट से बांटे थे? सरकार के पैसे लेकर के चमका चमका करके फोटो ले रहे थे, जैसे कि अपने घर से दे रहे हैं। सर आपको पता है, आप अपने घर से अपने पॉकेट से एक अठन्नी भी खर्च नहीं किया आज तक, कहीं ठेकेदारों से लेकर के, कहीं सप्लायर से लेकर के, कहीं थाना ब्लॉक से लेकर के लोगों को पैसे बांटते थे आप। कुछ आपके पॉकेट में जाता था और कुछ जनता को बांटते थे, ये सबको पता है सर, इसलिए आप चुनाव हारे हैं। रही बात अलाज झा रस्पी साहब ने क्या किया, वो सब अपने पॉकेट से किए उन्होंने, अपने घर से किए। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते वो काम, भले ही उसमें स्टिकर MIM का लगाए, आपको क्या फर्क पड़ता है इससे, आपको क्या परेशानी है? हमने लोगों को किया ना, अपने पॉकेट से किया, ठीक है। रही बात, आप हमेशा बात करते हैं एक पेशेंट हमारे क्षेत्र के हैदराबाद गए थे इलाज करने के लिए, और उनके साथ क्या हुआ, जनाब हाफिज इमरान साहब के साथ क्या हुआ, इसको भी आपने चुनाव में गला फाड़ फाड़ कर स्टेजों में भाषणों में दिया, क्या हुआ इसका, जनता ने सुना आपका? नहीं सुना ना, फिर से वही चीज़ रिपीट कर रहा है सर। अगर मान लीजिए किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी मदद हैदराबाद से और ओवैसी अस्पताल से हुई है, इसका भी पता कर लीजिए, डेटा निकालिए। जरा BJP वाला चश्मा जो आपके आंख पे लगा है ना, उसको उतार कर देखिए। अवेसी परिवार, मजलिस परिवार ने कितने लोगों की मदद की है, कैसे कैसे मदद की है, जरा इस पर भी रिसर्च कर लीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए, वो भी जनता को बताइए। और अलाज इजारसपी साहब ने तो 40,000 रुपये देने के लिए बोला भी था, और वो देना भी चाह रहे थे। आपने तो अपने पॉकेट से, फिर से मैं कहता हूँ, किसी को आज तक 10 रुपये नहीं दिए हैं सर। आज सोने जाइएगा ना, तो जरा इन चीज़ों को रिकॉल कीजिएगा अपने दिमाग में, किसी को 10 पैसे भी दिए अपने पॉकेट से? अरे सर, आपने तो पटना में घर भी नहीं लिया, जो ऑफिस के तरफ से आपको मिलते हैं फ्लैट, वो भी नहीं लिया, जहाँ पर इलाके के लोग आए और रहें उसमें, आपने तो उसके भी पैसे उठाकर अपने पॉकेट में रख लिए। थोड़ा सोचिए सर, हमें शर्म आ रही है, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं। अब आते हैं वादों पर। चुनाव के दौरान ओवैसी साहब ने कुछ वादे किए थे, और खास करके जो अब बात आप बार बार बोल रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के वादा किया था उन्होंने, तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर भाषणों में कहा था, एक जगह कहा था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो कोशिश करेंगे कोचाधामन में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए। और फिर उन्होंने हर जगह पे ये कहा था, वो संघर्ष करेंगे, वो कोशिश करेंगे। भाई इंतज़ार कीजिए, हम संघर्ष करेंगे, हम कोशिश करेंगे, आपके तरह चुप नहीं बैठेंगे सर। वक्त आएगा, आपको संघर्ष दिखेगा, अभी तो मात्र 8 दिन हुए हैं,
अभी बहुत वक्त बचा है सर, देखने को मिलेगा। रही बात वादों की, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी तो वादा किया था, वो भी सदन में सबके सामने में, कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। कहाँ गया वो वादा सर? आपने भी तो वादा किया था इस चुनाव में कि अब बिहार से लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा मजदूरी के लिए, यहाँ कारखाने खुलेंगे, मजदूरी घर पे ही मिलेगी। याद रखिएगा अपना वादा, इसकी भी बातें करें। आपने कहा था किसानों को हर खेतों में बिजली मिलेगी और 80 रुपये के जगह पर 10 रुपये का खर्च होगा, इसको भी याद रखिएगा सर। अपने भी वादे भी याद रखें, संघर्ष कीजिएगा, देखेंगे कितना संघर्ष करते हैं आप। और ओवैसी साहब ने रोजगार के लिए, एएमयू सेंटर के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को बेहतर करने के लिए बोले थे कि वो इन चीज़ों को सुधार करने के लिए इसका संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये आपको दिख गया होगा विधानसभा के पहले ही सत्र में किस तरह से मजलिस के जो जीते हुए विधायकगण हैं और हमारे सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने किस तरह से आवाज़ को उठाया। आप देख रहे हैं पहले ही दिन से मजलिस की वाहवाही हो रही है चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में। अभी तो शुरुआत है, अभी देखते जाइए। हम हर चीज़ के लिए जिसमें जनता का भला हो उसकी आवाज़ उठाएंगे, आप घबराइए मत। और सर, जहाँ तक हैदराबाद जाने की बात आपने कहा कि यहाँ के जीते हुए विधायक अब हैदराबाद गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसमें भी प्रॉब्लम है आपको। पूर्व विधायक जी, जरा अपने रिश्तेदारों से भी पूछें, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी, जेपी नड्डा जी, ये सब लोग भी गए हैं वहाँ पर। वो तो आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार में से हैं, वो लोग भी गए वहाँ प्रचार करने के लिए। अरे हम जो हमारे जो जीते हुए विधायक हैं वो तो छोटे से मामूली से इंसान हैं, इतने बड़े बड़े लोग गए हैं हैदराबाद एक छोटा सा म्यूनिसपैलिटी का इलेक्शन के लिए, थोड़ा सोचिए। तो उनसे भी सवाल पूछिए ना कि देश की क्या हालात है, कोरोना से लोग परेशान हैं, अर्थव्यवस्था इधर से उधर हो रही है, किसान रोड पर हैं, किसान मर रहे हैं, पिट रहे हैं, जरा इनसे भी वो सवाल कीजिए अगर आप में हिम्मत है तो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये सारे सवालात पूछेंगे, अपने पार्टी से पूछेंगे, अपने गठबंधन से पूछेंगे, अपने आरएसएस बीजेपी परिवार से पूछेंगे। रही बात आपकी विकास की, सोचा थोड़ा उसकी भी बात कर लूं। सर थोड़ा जनता को बताइएगा, आपने शिलान्यासों से कितने पैसे कमाए? सुनने में आ रहा है कि आपका एक फिक्स फीस हुआ करता था, आप एक फीस लेते थे ठेकेदार लोगों से, जरा बताइए कितने पैसे कमाए उससे? जितने सड़कें बने उससे भी कुछ आप एक्स्ट्रा पीसी लेते थे, जरा वो भी बताएं लोगों को। ओवरलोडिंग हुआ करता था सुनने में आ रहा, उससे भी कुछ आपको आता था, इसके बारे में लोगों को बताएं। और आपने कितनी ठेकेदारी खुद की है, जरा इसके बारे में भी बताइएगा। और इसके बाद जो अहम सवाल है, सवाल ये है कि आपने अपने विधायक के दौरान सारे 6 साल करीब आप रहे, थोड़ा अपने संपत्ति का भी विवरण दे देते, कितने जमीन खरीदे, कितने घर खरीदे, पहले क्या था और इच्छा सारे 6 साल में क्या हुआ, थोड़ा जनता को बता दीजिए सर। ये भी तो बताइए कितने लोगों पर केस हुआ, कैसे कैसे केस किए, कैसे समाज में भाई भाई को लड़ाया आपने, चाचा भतीजे को लड़ाया आपने, थोड़ा इसके बारे में भी तो बता दीजिए। सुनने में आ रहा है सर आपका इतिहास बहुत अच्छा रहा है, पूरी जनता को पता है। सर आप इतने सारे अच्छे काम किए होते ना, इतनी बुरी तरीके से आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। रही बात, एक बात और बार बार बोलते हैं कि लोग अब बोल रहे हैं कि वो पछता रहे हैं, आपको खोज रहे हैं। सर 43,000 जनता ने आपको वोट दिया था, जाहिर सी बात है वो लोग में मायूसी होगी, वो अब हमारे हैं। लेकिन जो 80,000 जनता ने
अलहाज इजहार एसपी साहब को वोट दिया था, जरा उनसे ही पूछिए, वो बहुत खुश हैं। और जहां तक आप राजद की टिकट के बारे में बार बार बोलते हैं कि उधर से आपको ऑफर आया था, सर ऑफर हमें भी आया था, फर्क इतना है कि हम किसी को बता नहीं रहे हैं, अब जग जाहिर कर रहे हैं। सर जनता का ये जनादेश था, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, करना होगा आपको। रही बात जनता का सेवा, जरूर कीजिए, एक अच्छे समाज बनाना है हम लोग को, एक अच्छा कल बनाना है, भविष्य को संवारना है, बट इसका यह मतलब नहीं है झूठ बोलकर, दूसरों को नीचे दिखा करके, अपने को ऊपर दिखा करके ऐसा काम करेंगे, शोभा नहीं देता पूर्व विधायक जी, नहीं देता। और थोड़ा भाषा का भी संयम रखिए, अच्छा रहेगा। आप पूर्व विधायक जरूर हैं लेकिन एक जिम्मेदार आदमी हैं। इसी बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे, शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम।